वेलकम है आप सभी का एग्जाम राजदीप चैनल पे। तो आप लोग के लिए एकदम लेटेस्ट खबर लेकर आया हूँ मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है DLED, इट मींस जो भी व्यक्ति को अगर फर्स्ट टू फिफ्थ तक के क्लास का अगर टीचर बनना है तो उसको ये एलिमेंट्री कोर्स होती है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री कोर्स ये करना पड़ता है। और खुशखबरी मैं ये बता दूँ कि इसकी इम्पॉर्टेंट जो डेट है वो आ चुकी है और इन्फॉर्मेशन भी इसमें आ चुका है। फीस स्ट्रक्चर आपको इससे बता दूं कि OBC वालों के लिए मतलब ओपन कास्ट वालों के लिए 200 है और जो भी रिजर्व कास्ट वाले के लिए उनके लिए 100 रुपीज़ है। एप्लीकेशन फॉर्म ओके जो आप भरोगे। इम्पॉर्टेंट डेट तो आप लोगों के लिए देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो यहाँ पर लिखा था टू बी अनाउंस सून, अभी सून ख़त्म अभी आ चुका है। तो चलिए देखते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है DLED का। ये देखिए DLED का देखो क्या लिखा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी कंडक्टेड एज पर द फॉलोइंग स्केड्यूल एंड स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज नोट द सेम। इट मीन्स आपको ऑन द टाइम करना है। यस, तो सीरियल नंबर, इवेंट्स एंड डेट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो मैंने आपको एक दिन पहले बता दिया, यानी कि आपको 17 तारीख, यानी कि कल। आज कितनी तारीख है? आज 16 तारीख है। तो कल आप लोगों को क्या करना है? फॉर्म भरना है और ये फॉर्म 31 तारीख तक मतलब कि मंथ के एंडिंग तक बना रहेगा, ठीक है। तो ऑनलाइन जो वेरिफिकेशन होगा वो होगा 17 तारीख तक, ठीक है। 17 तारीख से स्टार्ट होगा वेरिफिकेशन और ये जो है नेक्स्ट मंथ यानी कि अभी अगस्त है, इसके बाद में आएगा अपना सितंबर के 1 तारीख तक क्या होगी, वेरिफिकेशंस होगी। फिर जो प्रोविजनल मतलब कि जो कॉलेजेस है, मतलब कि जो जहाँ पर पेपर पेपर जहाँ पर मेरिट लिस्ट के लिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया गया है वहाँ पर आपकी पूरी तरीके से मेरिट लिस्ट यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर आप सबका नाम आ जाएगा। फिर इसके बाद देगा इफ़ देयर इज़ एनी ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। प्रोविजनल मतलब अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या कुछ हुआ या आपके एप्लीकेशन में कुछ हुआ तो तब तक यहाँ पर तक आपको बता दिया जाएगा। तो डेट है आपका क्या है, सेप्टेम्बर 4 तारीख तक, ठीक है। फिर इसके बाद में जो आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलेगी वो निकलेगी आपके सेप्टेम्बर 7 तारीख को, आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलेगी, ठीक है। निकलने के बाद फिर आपका एडमिशन राउंड होता है, इसको बोलते हैं काउंसलिंग राउंड, काउंसलिंग राउंड भी इसको बोलते हैं। एडमिशन राउंड इसमें आपका होगा, आपको 8 तारीख को एडमिशन आपका हो जाएगा। आप लोग क्या करेंगे, अपना कॉलेज सिलेक्ट कर लेंगे 8 तारीख को। सिलेक्ट करने के बाद उसी दिन से आपका क्या हो जाएगा, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको कॉलेज नहीं पसंद है, इफ़ कैंडिडेट वांट्स टू चेंज द प्रेफरेंस, मतलब कॉलेज आपको चेंज करना है तो आपके पास टाइम है, आप 12 तारीख को क्या कर सकते हो, फिर से चेंज कर सकते हो। फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा तो सेकेंड राउंड में आपको क्या करना है, भर देना है। तो सेकेंड मेरिट लिस्ट कब निकलेगी आपकी, 14 को निकलेगी, ठीक है। और उसी 14 से स्टार्ट हो जाएगा आपका मेरीगोराउंड, इट मीन्स सेकेंड राउंड एडमिशन का। फिर उसके बाद से अगर आपको फिर वो कॉलेज पसंद नहीं आया तो आप क्या कीजिएगा, फिर आप चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। और ये डेट है 18 तारीख की, सितंबर 18 की, ओके। 18 को आप चेंज कर सकते हो सेकेंड, अगर मेरिट लिस्ट में अगर आपको नाम पसंद नहीं आया तो, ठीक है। फिर थर्ड मेरिट लिस्ट निकलती है 20 तारीख को, 20 सितंबर को, 20 सितंबर को आपको थर्ड यानी लास्ट मेरिट लिस्ट निकलेगी। अगर आपको वहाँ पर थर्ड मेरीगोराउंड स्टार्ट होगा आपका 21 तारीख को, आपको क्या होगा, आपको कुछ करना होगा 21 तारीख से लेके 21 लेके 24 तक के बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी एडमिशन को कंफर्म कराना पड़ेगा, ओके। कंफर्म करा लीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए बिकॉज आपके एकदम नोट डाउन, और बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपके साथ में लाते रहूँगा, प्लीज़ अभी कर दीजिए। यहाँ पर देखिए आपके लिए खबर, ये जो कि पूरे महीने बीत गए लेकिन ये आ ही रहा था, वेलकम टू DLED, इट मीन्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एडमिशन 2020 and 2021। फीस स्ट्रक्चर आपको पता है कि कितना फीस आपको भरना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जो मेन है आपको लेके चलता हूँ मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में। यहाँ पर देखिए ये लिखा है, ये तो हमने चेक किया, देखो ये हमने चेक किया था, ये बहुत पहले आया था, फर्स्ट वार्निंग था ये, सेकंड वार्निंग था ये, दोनों का काम खत्म, ये कॉलेज का था, मतलब कि अध्यापक कॉलेज जो स्कूल टीचर्स के लिए टीचर्स के लिए जो होता है ना, जहाँ पर आप लोग जाओगे पढ़ने के लिए, वो स्कूल के लिए वार्निंग था और ये आप लोग के लिए है। अब चलिए देखते हैं ये DLED नियमवली क्या है, इट मीन्स यहाँ पर कुछ नियम वियम है क्या।
इट मीन्स कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आप लोग के लिए हैं, तो चलते हैं यहाँ पर। तो यही सेम है, देखो DLED का 13 MB का फॉर्म है ये, और नियमवली में आपको नियम सब कुछ, मतलब इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस इनके तरफ से होंगे, वही हम देखेंगे अभी, ठीक है। एक्चुअली लोड हो रहा है ये, देखते लोड हो जाएगा तो। ओके, वैसे भी नियमवली है, इसको फिर बाद में मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि अभी देखो ओपन हो रहा है, यहाँ तक पहुँच जाएगा इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मेरी नेट स्पीड भी अच्छी है, ये देख लीजिए 1 Mbps चली। महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीड़ा विभाग, यस प्राथमिक शिक्षण, यस यू नो वेरी वेल कि प्राथमिक यानी कि प्राइमरी एजुकेशन के जो पदवी का अभ्यासक्रम है ये, यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब प्राइमरी जो बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं ना फर्स्ट से लेके पाँच, देखो अगर आप डिप्लोमा करते हो तो आप पहले से लेके पाँचवीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लायक हो जाते हो, आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, आप फिल्टर हो जाते हो, ठीक है। ये ऑनलाइन केंद्र से है, तो आपको जो भी स्कूल्स मिलेंगे वो NCTE से रिकॉग्नाइज मिलेंगे, यस। देखो डाइट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप इसे ले लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया भी बता दी गई है, क्या करना है आपको, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। ये देखो यहाँ पर कोटा भी, मतलब रिज़र्व के बारे में बताया, रिज़र्व कोटा के बारे में बताया गया आपको, किस चीज़ के लिए कौन सा रिज़र्व्ड है, और प्रवेश वेड पत्र आप लोग देख लीजिएगा आपका। देखो जो वेड पत्र, मतलब जो नियम जो यहाँ, ये देखो ये मेन वेबसाइट है www.ma.ec.in, इसके अंदर आपका ये जो वेबसाइट है वो खुलता है, हमें डायरेक्टली खोल दिया चलेगा। और ये जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, जो लोग बहुत, सिर्फ नाम इनका अभी आता है, बाकी जब कॉन्टेक्ट करेंगे तो इनमें से किसी का नाम कुछ नहीं आएगा, छोड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रथम वर्ष पुन प्रवेश, तो यहाँ पर देख लीजिए आपका फर्स्ट कुछ है नहीं वैसे। ये सामाजिक आरक्षण, इट मीन्स ये सब आरक्षण के ऊपर बेस्ड है, आपको सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। शिक्षण शुल्क, हाँ ये देखिए आपका ये क्या है, इसके अंदर एडमिशन का फीस देख लेते, शुल्क, शिक्षण शुल्क जो दरमाहा, मतलब कि जो प्रति हर महीने बोलते हैं, तो वो आपका 220 रुपये रहेगा, अरे वाह। और वार्षिक यानी कि टोटल, अगर मैं इसको इंटू करता हूँ 12 में, तो शायद यही आंसर आना चाहिए 2,360 यानी कि 2,640 रुपये आएगा आपका। फिर सत्र मतलब वही साल का होगा, प्रति सत्र यानी कि एक साल का आपको अलग से भरना पड़ेगा, लगता है 220 रुपये, और पूरे वार्षिक का 440। और प्रवेश शुल्क जो रहेगा आपका प्रथम और द्वितीय प्रवेश वर्षांशी मिडून सेम आपका यही रहेगा, वार्षिक रुपए भी आपका यही रहेगा, और वार्षिक एकूण रुपए टोटल आपका इतना रुपए फीस रहेंगे, ठीक है। 3,300 रुपये आपके क्या रहेंगे, टोटल शुल्क रहेगा, फीस रहेगा। तो भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें, कोई भी डाउट रहेगा हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुल्क परतवना, ये देखिए ये सब दिया है, सब ऐसा कुछ वैसे कुछ है तो नहीं, 30 मतलब कितने तारीख से पहले लोगे। तो चलिए खुशखबरी ये कि आपका एडमिशन का डेट आ चुका है, और फटाफट से भरना शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। ये देख लीजिए आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, 10वीं का, 12वीं का पासिंग सर्टिफिकेट, लीविंग सर्टिफिकेट। हाँ बात यहाँ पर आता है कि आपको लीविंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है कि नहीं, इसके मैं अलग से ज़रूरत बनाऊँगा, बिकॉज अगर आप डिप्लोमा के साथ अगर आप बैचलर्स करें तो आप किस में देंगे, अगर आप बैचलर्स अगर प्राइवेट दे रहे हैं और डिप्लोमा भी साथ में, तो लिविंग सर्टिफिकेट आपका दोनों में से कहाँ जाएगा, वो आपको बाद में किसी वीडियो में आपको मैं बना के दूंगा। बाकी आप पहले इसको फिलअप कीजिए, आपको सिर्फ यहाँ पर पासिंग सर्टिफिकेट भरना रहेगा, बाकी जो इसका डाउट रहेगा आपको मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है, अच्छे से जानकारी लिखे तो अच्छे से पढ़िएगा इसको इन्फॉर्मेशन के लिए। बाकी आपको अच्छे से भरना है, कैसे अपलोड करना है सब कुछ बताया गया इसमें। और देखते हैं DLED प्रथम वर्ष प्रवेश अर्जी, मतलब किस तरीके से होगा। देखो 200 रुपये आप, 200 रुपये हम लोग भरेंगे यानी OBC वाले, और 100 रुपये वाले जिनके लिए भगवान ने अलग से पदवी दे के रखी है, ठीक है, यानी NTST OBC PWD OBC में हम लोग वाले, हम लोग जनरल कास्ट वाले, ओके। फिर आपका कितना परसेंट आना चाहिए, ये देखो, अरे कितना परसेंट आना चाहिए आप लोग का, ये भी दिया है,
यानी कि ऑलमोस्ट अराउंड समझो 50% अगर आपका आया तो आपका एडमिशन समझो अच्छा है। ओके ओके, तो बस और कुछ ज़्यादा है नहीं, बाकी सब कॉलेजेस के। चलो आपको मैं कॉलेजेस के बारे में लेके चलता हूँ। कॉलेजेस आपको कौन कौन से कॉलेज चलेंगे आपको लगेगा, ठीक है। क्लिक टू सर्च कॉलेज, यहाँ पर जाते हैं। देखो मैं जाऊँगा अपना मुंबई, डिस्ट्रिक्ट मेरा पालघर, तालुका मेरा वसई है, वसई तालुका से मैं बिलोंग करता हूँ। और मुझे जो ही मिल जाए, गवर्नमेंट मिलेगा तो अच्छा, लेकिन गवर्नमेंट है नहीं। देखिए देर आर नो कॉलेज इन द तालुका, प्लीज़ सिलेक्ट द डिफरेंट तालुका। क्यों डिफरेंट तालुका क्यों चूज़ करूँ, देख लेते प्राइवेट यूनाइटेड देख लेते हम लोग। यही कॉलेज मिल रहा है मेरे को पापड़ी में, इसमें भरूंगा भाई, इसमें मिल जाएगा तो अच्छा ही है। और मीडियम भी इंग्लिश है, ठीक है। थॉमस बैपेस्टा डीएड कॉलेज, अगर आप इसको गूगल पे सर्च करोगे इसका नाम और निशान नहीं है। और प्राइवेट से देखेंगे देखो सब मराठी 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 आ रहा है, तो उसमें मराठी लेके क्या करूँगा मैं फिर, इसलिए मैं जाऊँगा यूनाइटेड में इसमें थॉमस बैपेस्टा। ओके, तो जैसा कुछ रहेगा मैं आपको बताऊँगा। फीस 12,000, एक मिनट, 12,000 फीस वहाँ पर लिखा था, एक मिनट। वसई मेरा पाल वसई है और यूनाइटेड फीस देखो 12,000 रुपये फीस लिखा है यहाँ पर, तो ओ माय गॉड फीस तो बहुत ज़्यादा है। चलिए देखते हैं, करना है तो भरना तो पड़ेगा। गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो और अच्छी बात है, मेरिट लिस्ट निकलनी चाहिए आपकी। तो यही था, आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अगर कोई भी अगर डाउट रहेगा तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट कीजिएगा, इसे सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन दबाइए कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिले। थैंक यू।